हे वेलकम बैक गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आज की इस वीडियो को देख के अच्छे जरूर हो जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं गाइस स्मार्ट कोइल के बारे में, और ये एक पेन है जो कि जादुई पेन है। जादुई पेन तो नहीं है, लेकिन किसी जादू से कम नहीं है इसकी खूबियाँ। तो जब मैं आपको बताऊँगी इस पेन के सारी खूबियों के बारे में, तो आप भी कहोगे भाई ये तो बिल्कुल जादुई सा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्ट कोइल के बारे में, और जानेंगे कि भाई क्या क्या खूबियाँ हैं इसके अंदर में, और जानेंगे कि भाई कितने प्राइस में ये जो पेन है वो हमें मिलेगी मार्केट में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो स्मार्ट कोइल है वो है क्या। तो स्मार्ट कोइल एक पेन है जो कि बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट है, दिमाग से बहुत ही तेज है। वो सब कुछ मैं बताऊंगा कि कैसे ये स्मार्ट और तेज है। लेकिन गाइस, कोई भी ऑर्डिनरी पेन जो हम अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि लिखो फेंको पेन, उन सभी से ये काफ़ी अलग है। तो सबसे पहली चीज़ जो इस पेन में वो है इसके ऊपर में लगी हुई एक बटन। तो इस पेन के ऊपर में एक बटन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं टिप टॉप पेन बोलते हैं इस तरीके से। तो उसमें एक बटन होगी, उस बटन को दबाना है आपको और बहुत ही आराम से लिखना स्टार्ट कर देना है। अब आप ये सोच रहे हैं भाई क्योंकि ये एक स्मार्ट पेन है तो भाई इसको एक स्मार्ट डिस्प्ले भी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी स्मार्ट डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं है। मतलब डिस्प्ले में वो भी लिख सकता है, कोई भी स्मार्ट डिस्प्ले में भी लिख सकता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मतलब इस पेन को लिखने के लिए आप किसी भी फ्लैट सरफेस को ले लीजिए, बस वो सरफेस फ्लैट होनी चाहिए। वो पेपर हो सकता है, वो कोई कवर पेज हो सकता है, वो कोई भी जगह हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है। सरफेस बस अगर फ्लैट है तो इस पेन से आप बहुत ही आराम से लिख सकते हो। इसके अलावा गाइस, इस स्मार्ट कोइल पेन में एक छोटी सी स्क्रीन भी लगी होगी जो कि होगी 3 लाइंस की। अब ये जो स्क्रीन है इसमें वो सब कुछ स्टोर होगा जो कुछ भी हम लिखते चले जाएंगे। तो गाइस, अब बात आती है कि छोटे से स्क्रीन में जो हमने लिखा है, जो हमने स्टोर किया है, उसको हम पढ़ेंगे कैसे। तो करना ये है कि इस स्क्रीन में जो कुछ भी लिखा होगा, मान लेते हैं कि ये एक पेन है, मेरे सामने एक पेन है, मान लो कि ये स्मार्ट कोइल पेन है और यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन लगी हुई है। ऐसे में मुझे करना क्या होगा कि इस पेन को ऐसे करके टिल्ट कर देना है और जो कुछ भी स्क्रीन में लिखा होगा वो स्लोली स्लोली स्क्रॉल डाउन होते चले जाएंगे ताकि हम पढ़ते चले जाएं। तो कुछ इस तरीके से आप स्क्रीन में लिखी हुई चीज़ों को पढ़ पाओगे। तो गाइज, अब जिस पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्ट कोइल पेन के बारे में, ये बिल्कुल एक जादुई पॉइंट है। पॉइंट ये है कि देखो, हर एक इंसान की अपनी अपनी एक हैंडराइटिंग स्टाइल होती है, और इस पेन को जो भी बंदा यूज़ करेगा और उसकी हैंडराइटिंग जैसी भी है, उसी हैंडराइटिंग को ये रिकॉग्नाइज कर लेती है। मान लो कि कोई बंदा इसकी कर्सिव हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर सी है, और कोई है जिसकी कर्सिव क्या हैंडराइटिंग जो है वो कौवे की टंगड़ी की जैसी है, बहुत ही बेकार है। तो ऐसे में वो बंदा की हैंडराइटिंग कितनी भी अच्छी हो चाहे कितनी भी बेकार हो, ये जो पेन है इसमें ये खूबी है कि उस हैंडराइटिंग को ये रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है, और वो बंदा जो कुछ भी लिखेगा उसी हैंडराइटिंग में वो डाटा स्टोर की जाएगी स्टोरेज में। अब बात जब कर लेते हैं स्टोरेज की, तो यार यहाँ पे कितनी स्टोरेज मिलती है? तो देखो यार, आप 10 पेजेस लिख करके इसमें आराम से स्टोर कर सकते हो, इतनी स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो इसमें एक हार्ड डिस्क भी लगी होती है जहाँ पे इतनी स्टोरेज है, जहाँ पे आप लिख करके 10 पेजेस स्टोर कर सकते हो। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस पेन के ऊपर होती है एक बटन, जब तक हम उस बटन को दबाते नहीं है ये पेन ऑन होती नहीं है, और ऑन होगी नहीं तो हम इसे लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे हमने ऑन भी कर दिया, इससे लिख भी लिया, और इसके स्टोरेज में जो जगह होती है, जो 10 पेजेस की जगह है, उसको हमने भर भी दिया। अब आगे हम क्या करेंगे कि इस स्टोरेज में जितने कुछ भी सेव हैं, जो भी 10 पेजेस में हमने लिखे हैं, उनको हम शेयर करेंगे दूसरे डिवाइसेस में। वो कोई कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं, किसी मोबाइल में शेयर कर सकते हैं, किसी प्रिंटर में शेयर कर सकते हैं, इसके अलावे हम किसी मॉडेम में भी शेयर कर सकते हैं। अब ये शेयर कैसे होगी? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंक्वेल नाम की एक डिवाइस है, और इसमें हम क्या करेंगे, ये जो स्मार्ट कोइल पेन है उसको करेंगे प्लग इन। प्लग इन करते ही हम इसके सारे डाटा को शेयर कर सकते हैं दूसरे किसी भी डिवाइसेस से। तो यहाँ पे गाइस, अब हमने जो है शेयर भी कर लिया। अब ये पेन शुरू तो हो गई, यानी कि ऑन तो हो गई बटन दबाने के साथ में, लेकिन ये अब ऑफ कैसे होगी? तो ऑफ करने के लिए क्या है ना कि क्योंकि ये पेन स्मार्ट है, तो अभी आपको क्या करना है कि इस पेन को साइड में कहीं पर भी रख देना है। अब रखने के बाद ये कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली बोर होकर के बंद हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से ये ऑन और ऑफ हो जाती है। तो जैसा कि गाइस मैंने आप सभी को बताया कि इस स्मार्ट कोइल पेन के अंदर में एक सबसे बेहतरीन फीचर, और वो ये कि वो किसी भी बंदे की हैंडराइटिंग को रिकॉग्नाइज कर सकता है, पहचान सकता है। तो कैसे ये काम करती है ये पेन, आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो जो भी वर्ड हम लिखते हैं इस पेन ने उसको मेज़र कर रहा होता है उसके नीडल से, मतलब उसकी नीडल कैसे मूव कर रही है इस चीज़ को बड़े अच्छे से वो मेज़र करता है, और उसके पास एक छोटी सी मेमोरी होती है, उस मेमोरी में उस पर्टिकुलर चीज़ को जो उसने सीखा, जिस तरीके से मूव की, उस मूवमेंट्स को उसने मेज़र करके स्टोर कर लिया अपनी मेमोरी के अंदर। तो इस तरीके से पर्टिकुलर वर्ड को लिखना स्टार्ट कर देता है। ऐसे में
वो किस हैंडराइटिंग में लिखी गई उस हैंडराइटिंग से ही वो स्टोर भी कर लेता है अपने स्टोरेज में। तो गाइस इस तरीके से जो है वो किसी भी बंदे की हैंडराइटिंग को रिकॉग्नाइज कर पाता है, उसको समझ पाता है, पहचान पाता है। और अब हम गाइस बात करते हैं यहाँ पे इस स्मार्ट क्विल पेन की कॉस्ट के बारे में। तो इसकी जो कॉस्ट है वो है $200 और अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में तो यहाँ पे आती है 14,700 रुपीज़ के अराउंड। तो भाई इतनी प्राइस में हम जैसे लोग तो नहीं खरीद सकते, मतलब जो रिच बंदे हैं वही लोग खरीद पाएंगे, ऐसे में हमारे लिए तो लिखो फिको ही सही है। आप क्या कहते हो इस बारे में? इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूं कि इस पेन को जिन्होंने इन्वेंट किया है उनका नाम है लिंडसे विलियम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना दोस्तों शेयर कर लीजिएगा, और आपसे भी साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।